तो रास्ता बहुत ही बेकार हो रखा है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, फिसलने का डर अलग से रहा है इनमें वो, और हमें वाटरफॉल आज भी नहीं मिला। अब अगली बार जब हम कहीं भी जाएंगे तो रास्ता एकदम प्रॉपर याद करके जाएंगे। तो हम सिप्टी से नीचे आ चुके हैं और ये दो मेरे दोस्त, इसका तो चैनल ही है, सॉरी मैं इसका दोस्त हूँ। अब हमें जाना है उधर, वैसे दिख तो रानी है लेकिन उधर से नीचे को जाना है, वहीं पे वाटरफॉल है ऐसा मैंने सुना इस प्राणी के मुंह से। अभी हम चले गए हैं सिप्टी के लिए, यहाँ वाटरफॉल है आगे, तो आज दिखाते हैं आपको सिप्टी का वाटरफॉल। तो ये है यहाँ का रास्ता और पूरा एकदम जंगल है, प्रॉपर जंगल, और आज भी हमें रास्ता नहीं पता, मतलब पता है आज रास्ता पता है लेकिन हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हम तीसरी बार नहीं, आज नहीं खोएंगे क्योंकि आज खोएंगे जो रास्ता है एक ही रास्ता है यहाँ कुछ जाता नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं भाई, हमारा ये थीम है, दो वीडियो से लगातार हमने ये लेगेसी चलाई है कि हम रास्ते में खोते रहेंगे तो इस बार भी हम पक्का खोएंगे। नहीं नहीं, स्पेशली भीमताल से आए हैं वाटरफॉल को देखने के लिए पहाड़ों से। भाई हेलो, यहाँ के पहाड़, हेलो भाई, पलट, हेलो भाई पड़ते लंगड़े आते हुए हमारे दोस्त। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसे रास्ते में चप्पल पहन के आ गया, और मैं कह ही रहा था जूते पहन लो भाई। ये देखिए बियर गिल्स के पड़ोसी के नाती के बुआ के लड़के के चचारे के फूफे के भाई, वो देखिए झरना दिख भी नहीं रहे जो। हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं मालिक साहब? बहुत ही नहीं दिख रहा है, और कुछ बोलो। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, आपको झरने की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही गंदा रास्ता है यहाँ पे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, एकदम डाउन रास्ता है, वो नीचे नदी है, वहीं से ऊपर वहाँ झरना है उस एरिया पे, ये पूरा क्रॉस करके जाएंगे, और रास्ता आप देख रहे हो ये पूरा एकदम जंगल का रास्ता है, बीच से ये फील करो ऐसे ना। क्या क्या बहुत बड़े क्या कह रहा है, बादशाह हो जिया, बहुत बड़े गाइस। तो हम फंस चुके हैं, इधर से जाए या इधर से, और हमें जाना कहाँ है भाई? इधर से जाना तो है, डेस्टिनेशन तो हमारी उधर है, पर रास्ता ये अच्छा लग रहा है, रास्ता यूँ लग रहा है। मैं बताऊँ भाई, ये रास्ता बर्बादी की ओर जाता है, ये रास्ता लड़की की ओर जाता है, तो इधर चलो। फाइनली इतने गंदे से रास्ते के बाद हम पहुंच गए हैं झरने में, मतलब ये छोटा झरना है, मेन झरना ऊपर है, तो दिखाता हूं आपको मैं यहां पे झरना कैसा है। यहां से वो एरिया झरने का स्टार्ट हो जाता है, ये एक छोटा सा झरना यहां पे है, ये वाला छोटा झरना, क्या मेन झरना तो ऊपर है वैसे, बिल्कुल है ना, हाँ ऊपर है, तो ऊपर को यहाँ पे भी छोटा सा ये पूल टाइप बन गया है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, एकदम जंगल के बीच का ये व्यू है। क्या है ऊपर, ऊपर कितना गहरा है? तो अभी यहाँ से तो हम जा रहे हैं, अभी मेन झरना ऊपर है, अभी यहाँ से और ऊपर जाना है अभी हमने, बिल्कुल ऐसे रास्तों के बीच से जाना है, हो रहा है। It was at this moment that he knew he fucked up. रास्ता तो मेरे ख्याल से ऊपर से था, वो है वो बहुत बढ़िया, आज फिर इसने रास्ता भुला दिया है दोस्तों। अबे यार ये तो ऐसा हो, यहाँ पे यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, मेरे को दिखा। जी हाँ दोस्तों, मिले हमारे दोस्त प्रिय अजीज मिस्टर ऋतिक कांस्टेंट गोस्वामी, जिन्होंने आज हमें लगातार तीसरी बार ये देखिए जंगलों में दोबारा रास्ता भुला दिया है। अबे यहीं से तो आए थे, आ जाए इनके भरोसे आते हैं, ये कहते हैं भाई मैं ले जाऊंगा आपको, ये कहते हैं हमारे प्रोफेशनल
सो कॉल्ड, लेकिन ये बर्बाद में रास्ता। अरे ना, अरे आवाज को फॉलो करके जाएंगे ना, ऊपर चल, यहाँ से राइट ले थोड़ा ऊपर को। बियर गिल्स का नाती ऐसी गाड़ी है, सुन ना, सुन तो नहीं वो मैं। कहाँ जा रहे हो ऐसा रास्ता खोलो? मुझे नहीं पता, चल तू आगे, तू चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया रहते। अबे कहाँ जा रहा है? पहाड़ चढ़ेगा वहाँ से यार भाई, फिर से कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ ले गए थे? फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे चल। चुप साले। अबे यार यहाँ से वो मर गया। एक तो रिंकू चूतिया ने चप्पल पहनवा दिया ना, फिर से आवाज तो इधर से आ रही है। वे वो कहाँ गया? ओ भाई थोड़ा, अबे भाई मर गया, बच गया। हाँ सही जा रहे, सही वहीं से चल लेते हैं ना, नदी की आवाज आवाज के बगल बगल से चल लेते हैं। तुम्हें आगे जाना है साले। अबे यहाँ से क्या था, क्या नीचे देखे एक बार जाने का है? ओबे भाई, अबे कैसी कैसी जगह से लाते हो बे? पहले तो वहाँ से आए थे साहब, कहाँ से आए? आगे से तो आए थे वहाँ से। देखो चलते रहे ना, क्या रुक रहे हैं तू? तो रास्ता बहुत ही बेकार हो रखा है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, फिसलने का डर अलग से रह रहा है इनमें। ये ऐसे रास्ते से चल के आना पड़ रहा है। ये रास्ते पे हम चलते चलते नंगे पाँव, क्योंकि जूतों में ग्रिप नहीं बन पा रही है, और भाई साहब ने हमें कहा था कि उनको रास्ता पता है, लेकिन लगातार तीसरी बार इन्होंने हमसे झूठ बोला। और देखिए हम ये कहते हैं कि हमें रास्ता याद आ चुका है, और जो कि अभी भी नहीं मिल पा रहा है, और ये भाई साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये भाई साहब बड़ा आनंद ले रहे हैं यहाँ, ना कुछ सामान ले जा रहे हैं, ना कुछ बस बैठे हैं, आगे चले जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं बीच बीच में फ़ोटो खींच दो मेरी। इतनी कड़ी धूप में हमने बहुत ही मेहनत के साथ ऋतिक पे भरोसा रख के सोचा था कि हम वाटरफॉल पे जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इन दोनों का कहना है कि यहाँ से रास्ता आगे हम नहीं चढ़ पाएंगे। और मैंने सोचा था कि ऋतिक हमें सही रास्ते से पहुंचा देगा वहाँ, लेकिन भाई साहब ने ऐसा किया कि हमें हमेशा की तरह भटकाते रहे रास्तों से। अब हम तो क्या, ये दोनों नमूने कह रहे हैं कि वापस चलते हैं, तो ये लोग आ रहे हैं। बस दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए अफसोस मना रहा है, बहुत ही अफसोस मना रहा है लंगूर अपना कि हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। इनके चेहरा देखिए, यही मासूम चेहरा जो हमेशा की तरह हमें भटकाते रहे हैं रास्तों से, कहते हैं कि भाई साहब मत करो, ऐसा मत करो। शर्म नहीं है चेहरे पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इन मूछों पे ताव क्यों देते हो आप? इधर से रास्ता मिल जाता था ना, हम पहुँच जाते। किधर से ऊपर कहीं जाएंगे, लेकिन जाएगा ऊपर। शक्ल दिखाओ जरा कैमरे पे। ऊपर ना पहुंच जाए।
चलो बस अलविदा लेते हैं। यहाँ सिप्टी वाटरफॉल आए थे वो, और हमें वाटरफॉल आज भी नहीं मिला। मतलब बैक टू बैक तीन डेस्टिनेशन ऐसी हो गई, हम घूमने गए और हम रास्ता भूल गए सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के। तो अभी हम वो वाली डेस्टिनेशन तो हमको मिली नहीं, हम छिप्टी का वो जो वाटरफॉल पे आए थे वो तो हमें मिला ही नहीं। बहुत ऊपर तक गए, या पीछे से जो जंगल से रास्ता जाता है वो हमको मिला नहीं, तो हमने सोचा कि यहाँ पत्थरों से जाएंगे, हमें वो भी नहीं मिला। फिर वहाँ से वापस आ गए हम लोग। अभी यहाँ बीच, यहाँ रास्ते में एक ये वाला छोटा सा वाटरफॉल तो कुछ नहीं, से तो कुछ ही सही, तो इसी में आप थोड़ी देर इन्जॉय करेंगे, फिर चलते हैं। आ गया। यहाँ पे हम वहाँ ऊपर चले गए थे, एकदम बहुत ऊपर चले गए थे, वहाँ से हमें रास्ता नहीं मिला, फिर हम यहीं पे आ गए इस वाले में। वापस आएंगे यहीं से नीचे को, कभी दोबारा आएंगे। इसकी तो अलग ही चलती है हर जगह, बस कूल बनना है कूल। तो अभी हमने, हम जहाँ जा रहे थे वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। अगेन फिर से वही हुआ, रास्ता नहीं मिला हमको। तो हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया और अब हम चलते हैं वापस। अब अगली बार जब हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएंगे तो रास्ता एकदम प्रॉपर याद करके जाएंगे, मैप लेके जाएंगे। आपको असालू खिलाएं? असालू देखिए वो है कहाँ पे? अबे दिख नहीं रहा, वो देखो सामने। अच्छा हाँ, ऊपर रोड में तो होंगे, ऊपर में होंगे जाएंगे। तो अगली बार से जब हम कहीं भी जाएंगे रास्ता एकदम प्रॉपर नोट करके जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस आदमी के सहारे आएंगे तो हमें यही फेस करना पड़ेगा हमेशा। क्यों ब्रो? भाई चाबी इधर पे है क्या? तो जा सकता है। A few moments later. शर्म का अगर कोई चेहरा होता है तो ये होता है। ये देखिए, हम गए थे नहाने। कहाँ जा रहे हैं? हम गए थे अभी यहाँ इधर पे नहाने, इधर पे जिस पर अभी हम नहा रहे थे वो, और हम झरने के चक्कर में ये पहाड़ से इधर, इन दोनों के पहाड़ के बीच से चलते 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 उधर ऊपर पहाड़ से भी पीछे पहुंच गए थे। और जब हम वापसी के लिए गए आ रहे हैं तो पता चला जहाँ पे हम यहाँ पे नहा रहे थे इसी के ऊपर ये झरना था। ये इसी को सर्च करने के लिए हम 2-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़े, लेकिन गलत डायरेक्शन में, वो भी राइट में। और ये हमारा दोस्त ये चोरी छुपे अपनी शक्ल छुपाते हुए भाग रहा है। ये आप लोग घूमने आओ पहाड़ पे, किसी भी पहाड़ पे, सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको कोई भी गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि ये पहाड़ किसी के बाप के नहीं है। आप इन पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं, पर अगर आप पहाड़ घूमने आ रहे हो सबसे पहले ना जो आपको घुमा रहा है उसका ज़रूर देख लेना। हमारा वाला तो निकम्मा निकला, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और अपना चला जा रहा है। ऊपर वाली पहाड़ी में था तो हमें एक पहाड़ी और चढ़ना। और सिर्फ वही पहाड़ी नहीं आ रही थी, बाकी सारी पहाड़ी आ गई थी। पहाड़ी कैसे आएगी? नहीं नहीं, जब तुम किसी और ही पहाड़ पे ले जाओगे तो वो वाली पहाड़ी कैसे आएगी? भाई साहब से 5 मिनट का रास्ता नहीं है। मैं कह रहा हूँ झरना ऊपर से दिख रहा था तो मैं वही तो कहा, मैंने कहा भाई पहाड़ दिखेगा चढ़ते हुए दिखेगा। ये भाई किसी और पहाड़ में चढ़ा दिया इसने, और इतने भरोसे के साथ कहता है भाई यहीं पे है, भाई आ गए ही है। कभी कभार हार मान लेना भी एक आपके जीवन के लिए अच्छी बात रहती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया हमारे दोस्त ने गलत पहाड़ भी चढ़ा दिया था। हमारे मन में ये था कि हम रुकेंगे नहीं, जब तक वो झरना मिलेगा नहीं तब तक हम चलते जाएंगे ऊपर को, लेकिन एक ना एक वक्त पे हमने हार मान ली और उसका फल
हम काफ़ी घंटों का पैदल रास्ता चढ़ाई पे हमने वो चढ़ना बंद कर दिया, लेकिन हम फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे, वो बात अलग है। और वो देखिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।